रेलवे स्टेशन है, कल हम लोग को जाना है बैंकॉक के लिए। टिकट बुक करने आए हैं। छोटा सा स्टेशन, पहले जो था ना उसका वो ऐनक लगाया हुआ था, वो एक पाकिस्तानी था भाई खान, उसका वो दोस्त था। तो इधर बैंकॉक में जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, उसमें पठान है जो पाकिस्तानी, वो सारे वो भाई खान के कबीले के लोग हैं। तो भाई खान जो है ना, वो इसका जो बाप था ना इस राजा का, उसके खिलाफ़ बगावत हुआ था, तो उसको कुचलने के लिए वो पठान लाया था। वो फिर अपने कबीले के आदमी के साथ आया और इधर के बगावत को कुचला। तो बाद में फिर उसको इधर में जवीद दिया। तो उनके नाम का मतलब ने कस्बा है, उसका नाम है आपतिया बैंकॉक में। तो वो जब तक वो भाई खान को कहते ज़िंदा रहा, तो उसका रोड से जब गाड़ी गुजरता, वो जैसे इंडिया की मूवी में होता है कि जो गुंडे आते हैं तो वो गाड़ी से हर कोई गाड़ी साइड पर करता है, ऐसे वो बैंकॉक के रोड पर जब उसका गाड़ी चलता था, गाड़ियाँ रास्ता देती थी उसको, इतनी उसकी उसको मानते थे इधर के थाई लोग। ताकि अभी उसकी यहाँ एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी थी। उसके कबीले इधर में जो ना थाईलैंड में जो हलाल गोश्त का बिजनेस है ना, वो सारा पाकिस्तानी का, उसी का, भाई खान के कबीले के लोग हैं उनका बिजनेस है। जब वो उनको जगह दिया तो उन्होंने बिजनेस ही ये किया था हलाल गोश्त का, क्योंकि थाई लोग ना पहले इतना गोश्त वगैरह का नहीं, उनको वो सब्जियां मछलियां वगैरह खाते थे। ये रेलवे स्टेशन का नाम है। तो ये ट्रेन लाइन जो है इस तरफ को दाएं तरफ में जाती है वांग करोल। उनका एक तो नाम भी नहीं पढ़ने, इंग्लिश में जो लिखा था वो बंदा पढ़ता है, लेकिन वो जब थाई बोलते उनको उनको समझ आ जाता है, लेकिन वो जब जब बोलते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आता। काफ़ी सुनसान रेलवे स्टेशन है, एक सिर्फ स्टेशन मास्टर है और बकाया सिर्फ कबूतरों की आवाज़ें हैं। और इधर में सिर्फ ट्रेन हल्का सा आसरा करती है बस, यानी कि समझो ब्रेक वो ना एक दो बार खींच के छोड़ देता है, तो बस जिसने लथना और चढ़ना है तो चढ़ गया। किसी की बिल्टी आई है या जानी है, पंजा किलो वजन है उसका, तो बिल्टी बिच की है खांसी का सीरप यानी कि बीयर, ये पता नहीं हूँ आई है या जानी है।